हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट का ये आज टेंथ लेक्चर है। आपके टेंथ लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर को ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे अभी। तो इसका जो आपका ये टॉपिक है आज का, वो है विज्ञापन और विपणन प्रक्रिया का मिश्रण। तो इसमें है आपका विज्ञापन जब विपणन प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है तो उसे मार्केटिंग मिक्स के रूप में जाना जाता है। मार्केटिंग मिक्स मतलब कि जो आपको सारी विपणन के अंदर जो प्रक्रिया बताई गई हैं वो सारी इन्होंने जब मिक्स करके, जब उनको हम मिक्स करके कार्य करते हैं तो उनको ये मार्केटिंग मिक्स के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, आगे है, जो आगे है वो इसके बारे में आपको कुछ तत्व बता रहे हैं। ये व्यापार के लिए 5 मूल आधार तत्व होते हैं, मतलब कि व्यापार के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग या विपणन दोनों ही व्यापार से संबंधित चीज़ें हैं। व्यापार के वजह से ही ये दोनों चीज़ें हैं और इन दोनों की वजह से ही व्यापार है। तो इसलिए इन्होंने जो मेन मुद्दा है आपका व्यापार है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने व्यापार शब्द का यूज़ किया है, क्योंकि सारी जो स्टार्टिंग हुई है वो व्यापार को माइंड में रख के हुई है। क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में आता है इनकम का, और इनकम जब माइंड में आती है तो सबसे पहले माइंड में आया था जो एक सर्जन हुआ था वो हुआ था व्यापार का। क्योंकि जब से जीवन है तभी से मनुष्य इस चीज़ को अपने साथ रखता हुआ आया है कि अगर जीवन जीना है तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें व्यापार की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो जैसे कि आपको बताया था कि प्रगतिहासिक काल में बहुत कम मात्रा में थी ये चीज़ें, फिर धीरे 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 जैसे जैसे समय बढ़ता गया और इम्प्रूवमेंट होता गया जीवन में, तो ये सब चीज़ें भी बढ़ गई आपकी। व्यापार, तो व्यापार के अंदर ये बोल रहे हैं कि 5 तत्व हैं। पहला है आपका उत्पादन, सेकंड है मूल वितरण, थर्ड है वितरण व्यवस्था, फोर्थ है वस्तु की बिक्री, फिफ्थ है विज्ञापन। तो उत्पादन तो आप जानते ही हैं, उत्पादन व्यापार या कंपनी या फैक्ट्री या सामान बनाना, है ना, उत्पादन करना। मूल्य वितरण हो गया पैसा बांटना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको विज्ञापन में बता दी है कि मूल्य वितरण क्यों करते हैं या इसका क्या योगदान है व्यापार के अंदर, है ना। उत्पादन क्या होता है, फिर अभी आपका आता है वितरण व्यवस्था, मतलब बांटने की व्यवस्था, किसके माध्यम से या क्या व्यवस्था करी जाती हैं बांटने के लिए वितरण, है ना, मतलब व्यापार को चलाने के लिए मार्केटिंग के अंदर तो किस तरीके से व्यवस्था बनाई जाती है, है ना, क्या बांटने के लिए, वितरण करने के लिए, है ना। वितरण मीन्स बांटना। वस्तु की बिक्री, ठीक है, वस्तु की बिक्री का मैंने आपको समझा ही दिया था जब आपका मार्केटिंग और संप्रेषण बताया था। फिर लास्ट है आपका विज्ञापन, विज्ञापन के बारे में भी हम अभी पढ़ते आ ही रहे हैं सेकेंड ईयर से कि विज्ञापन क्या है। तो विज्ञापन जो है मेन हमारा व्यापार के वजह से ही है, क्योंकि व्यापार के रूप में, व्यापार की वजह से ही हमने विज्ञापन जैसी एक क्रिया का एक मतलब कि एक पूरी जो, क्योंकि विज्ञापन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी कंपनी हो गई, उसकी कार्य गतिविधियां हो गई कि अलग अलग हैं, इसमें बहुत सारी होती हैं, तो वो सारी ही विज्ञापन के अंदर आ जाती हैं, जिसमें आपका मार्केटिंग भी है, है ना। तो ये हो गया आपका। फिर आगे है इसमें उपभोक्ता से संप्रेषण, मतलब कि कस्टमर कम्युनिकेशन, ओके। इसमें है इन 5 तत्वों का आवश्यकता अनुसार साथ साथ प्रयोग हो मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। मतलब जो ये आपको 5 तत्व बताए गए हैं, उत्पादन, मूल्य वितरण, वितरण व्यवस्था, वस्तु की बिक्री और विज्ञापन, इन 5 के एक साथ कार्य करने पे, जो मतलब इन 5 को एक साथ जब प्रयोग किया जाता है तो उसको पूरा मार्केटिंग मिक्स बताया गया है। जैसे मैंने ऊपर कहा अभी कि मार्केटिंग मिक्स सारे ही व्यापार संबंधित जितनी भी, ये सारी जितनी प्रक्रियाएँ हैं उसमें आपका विज्ञापन, मार्केटिंग सब कुछ आ जाता है ना, तो ये सब कुछ मार्केटिंग मिक्स कहलाता है।
आगे है विपणन प्रक्रिया को संभालने वाले संचालन की तुलना एक बेकरी वाले से की जा सकती है। बेकरी वाले आप जानते हैं किनको कहते हैं, जो आपके बिस्कुट्स वगैरह बनाते हैं, रस बिस्किट्स वगैरह उनकी बेकरी होती है, तो वहाँ पे वो जहाँ पे इन चीज़ों का एक तरीके से उनकी फैक्ट्री कह सकते हैं आप, या एक छोटी सी दुकान भी अगर उन्होंने वहाँ पे इस तरीके की कुछ मशीनें और सिस्टम कर रखे हैं जहाँ पे वो सिकाई करते हैं अपने खाने पीने के सामानों की, तो वो एक तरीके से बेकरी कहलाती है। मतलब जहाँ भी ये सारा माल बनता है बिस्किट्स वगैरह का, है ना, तो बेकरी होती है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं ये कि विपणन प्रक्रिया जो है उसको संभालने वाला जो संचालन होता है उसकी तुलना हम एक बेकरी वाले के बराबर कर सकते हैं, है ना। जैसे एक बेकरी वाले, तो आगे है जिस प्रकार ठीक अनुपात में सामग्री को मिलाकर बिस्किट आदि तैयार करना है, उसी तरह से अब इन्होंने बेकरी वाले के बारे में बोला है कि जिस प्रकार ठीक अनुपात में सामग्री को मिलाकर बिस्किट तैयार करना है, उसी तरह से कार्यकारी ही यह निर्धारण करता है कि विपणन प्रक्रिया में कौन से तत्व का कितना प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, ये जो पूरी मार्केटिंग के हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग मिक्स की, है ना, तो विपणन प्रक्रिया में कौन से तत्व का कितना प्रयोग होना है। तो कार्यकारी क्या होता है, एक प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाला, मतलब जो इन सब चीज़ों को देखता है, है ना। तो फिर आगे आता है इन तत्वों का किया गया सही उपयोग ही कार्यकारी की सफलता है। मतलब कि अगर हम इन सभी तत्वों को उत्पादन मूल्य वितरण व्यवस्था वस्तु की बिक्री और विज्ञापन, ये जो 5 तत्व हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन सभी तत्वों की सही क्रिया अगर होती है, सही तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, तो उसकी कार्यकारी सफल रहती है। मतलब जो वो कार्य करता है, जो भी वो नीति बनाता है, जो भी वो तय करता है कि इस तरीके से हम चलेंगे और इस तरीके से हम कार्य करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से काम करेंगे, तो उसकी कार्यकारी सफल होती है, है ना। और इससे ही विक्रेताओं का हौसला बढ़ता है। विक्रेताओं किसको कह रहे हैं, दुकानदारों को, है ना, बेचने वाला जो होता है, तो उनका हौसला क्या क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे कि आपको पूरे विपणन में बताया गया है कि मार्केटिंग में क्या क्या कार्य होते हैं, है ना, और संप्रेषण क्या है, तो उसी पर्पस से ये आपको बोल रहे हैं कि विक्रेता का हौसला बढ़ता है, क्योंकि उनको ये कंफर्म होता है कि हाँ उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी ग्राहक की नज़रों में चढ़ चुका है, तो हमें उसको बेचने में और आसानी होगी। वो अगर झूठ भी बोलते हैं ना, तो हम उनकी बातों में जल्दी से मैनिपुलेट हो जाता है हमारा माइंड, क्योंकि जस्ट बिकॉज पहले से ही कार्यकारी इस तरीके से की गई है कि उस प्रोडक्ट को लेकर हमारे माइंड में एक अच्छी छवि बन चुकी है। तो क्या होता है कि दुकानदार को भी उससे हमें बेचने में बहुत आसानी होती है, उसका अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो उसका हौसला बढ़ता है उस चीज़ से, क्योंकि वो घबराता नहीं है कि हाँ इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ हैं, वो एकदम आपको प्योरली कहेगा कि ये तो बिल्कुल प्योरली है, नेचर से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी फेस वॉश का एग्ज़ाम्पल देने लगें, तो एक दुकानदार आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैनिपुलेट कर देता है कि ये बिल्कुल किसी केमिकल से बना हुआ नहीं है, एकदम ओरिजिनल तरीके से नेचर के द्वारा बनाया गया है, नेचर से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना। तो एक है कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम विज्ञापन देख के और जो भी वो पूरी उस प्रोडक्ट पे जितना भी कार्य किया जाता है इन 5 तत्वों द्वारा, तो हम उसके थ्रू ऑलरेडी मैनिपुलेट हुए रहते हैं, तो और दुकानदार के करने पे हम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आगे है उत्पाद को लोगों तक पहुँचाने से पहले उत्पाद की ब्रांड का नाम का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये बात दुकानदारों के लिए बोली जा रही है कि उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने से पहले उनको उनके प्रोडक्ट के जो ब्रांड होते हैं उनका नाम पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लोकल सामान भी खरीदने जा रहे हैं ना, तो अगर आपके सामने लोकल भी रखा है, उसका नाम लिखा हुआ है कुछ भी, और आप नहीं जानते कि ये लोकल है या कंपनी है कोई, तो आप उससे जब पूछेंगे तो दुकानदार अगर ब्रांड का नाम जानता है या जो भी कंपनी है, वो आपको एकदम से
बताएगा कि ये इस चीज़ का प्रोडक्ट है। तो अगर वो नहीं बता पाएगा तो हम एकदम से खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो खुद ही नहीं जानता, तो हम उसको नहीं ख़रीदेंगे। इसलिए उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि जो भी उनका प्रोडक्ट है वो कहाँ से आया है, किस कंपनी से आया है, किसके थ्रू आया है, है ना, किस नाम से जुड़ा हुआ है, तो वो उनको नॉलेज रखनी होती है, जिससे उपभोक्ता वस्तु को आसानी से खरीद सके, जिससे कि उपभोक्ता वस्तु को आसानी से खरीद सके, क्योंकि वो हमें बताएगा तभी हम उसको आसानी से खरीदेंगे, है ना। और यह कार्य विज्ञापन द्वारा ही किया जा सकता है, और यह कार्य विज्ञापन द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था विज्ञापन में व्यवसाय कैसे है, है ना, आपका सेकेंड ईयर में भी है ये, और इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा भी की थी जूम मीटिंग में। तो वही ये है कि क्योंकि हम विज्ञापन के थ्रू और काफ़ी कुछ ग्राहक को ऑलरेडी बता चुके होते हैं कि ये नाम है, ये प्रोडक्ट है, इसकी ये कंपनी है, और ये कार्य करता है, इसमें ये क्वालिटियाँ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले ही बता चुके होते हैं विज्ञापन द्वारा। फिर आता है विपणन मिश्रण की प्रक्रिया में बिक्री बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे जो ये शब्द हैं इनका जब हमने रीड किया था, जब हमने विपणन और संप्रेषण को समझा था, है ना, तब उनका थोड़ा सा अलग मीनिंग था क्योंकि वो बेचने और ख़रीदने से संबंधित था। यहाँ पे आता है परियक्ष क्रय, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, और आता है विक्रय का मतलब आप समझते ही हैं, बेचना करना, है ना, और प्रकार हो गए कि किस प्रकार से, और विक्रय अभिवृद्धि मतलब कि बेचने की जो ग्रोथ होती है, मतलब कितना बेचा जा रहा है, किस हद तक वो बिक रहा है, है ना, और व्यक्तिगत वृद्धि मतलब कि सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ये लोग खुद भी काम करते हैं। एक दुकानदार व्यक्तिगत रूप पे भी उसको बेचता है, दुकानदारी में भी बेचता है, और मतलब अगर वो कहीं पे खड़ा होकर चार लोगों के बीच बातें भी कर रहा है तो वो अपनी शॉप पे मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स का या उन जो भी उसकी शॉप पे सामान बिकता है उसकी कुछ ना कुछ चर्चा कर देता है। तो सामने वाला अगर उसका फ्रेंड है या जानकार है कोई भी है तो वो उसकी बातों से अट्रैक्ट होता ही है, और वो उसका होता है व्यक्तिगत लेवल पे एक माल को बेचना यानी कि वृद्धि करना, है ना, आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सारा है इसके अंदर। तो अभी ये हम पैराग्राफ यहीं ख़त्म करते हैं, फिर सेकंड आपका एक टॉपिक और है विपणन में विज्ञापन की भूमिका, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।